ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में बदलते माहौल को देखते हुए फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज डेट टाल दी गई है। फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज टलने के बाद से फिल्म को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फिल्म की रिलीज में जितनी भी देरी की जाएगी अब फिल्म को उतना ही नुकसान झेलना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी राइट्स 890 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। अब जैसा कि आप भी जानते हैं, फिल्म 7 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया गया। अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर के पोस्टपोन से मेकर्स को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके प्रमोशन में करीब 15 से 16 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसके साथ ही फिल्म की पहले से ही कई दर्शकों ने प्री बुकिंग भी कर रखी थी, जिस पर मेकर्स को दर्शकों को पैसे वापस लौटाने पड़ गए। इन सब चीजों को मिलाकर देखा जाए तो मेकर्स को करीब 100 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ गया। अब फिल्म की नई रिलीज डेट जब भी फाइनल होगी तब फिर से प्रमोशन का खर्चा फिल्म मेकर्स को लगाना पड़ेगा। शायद एक बार रिलीज पोस्टपोन होने के बाद फिर बज बनाने के लिए ज्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है। खैर, इन सभी के बीच आपको बता दें कि इसी कोरोना माहौल को देखते हुए प्रभास की फिल्म राधे श्याम को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑफर भी मिला था, लेकिन मेकर्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। खैर, अब देखना ये है कि क्या फिल्म मेकर्स इस पर डिसीजन लेते हैं और फिल्म कब तक रिलीज होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल एन इन बॉलीवुड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।